हेलो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन डेली लाइव क्विज जीके जीएस कौन बनेगा विजेता सेशन 5 क्विज देखो पैसा जीतो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि इस क्विज के माध्यम पैसे भी जीत सकते हैं। देखिए, आप लोग को स्क्रीन शॉट लगा दिया गया है। आज का विजेता जो था राजकुमार था और उसे फोन पे के माध्यम से प्राइज भेज दिया गया है। आप लोग स्क्रीन शॉट देख सकते हैं। सबसे पहले कमेंट राजकुमार ने किया था और उसे प्राइज दे दिया गया है। आप लोग जानते हैं इस क्विज में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कल आप लोग से क्वेश्चन पूछे थे विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर होगा 21 जून, और आप लोग ने आंसर भी किया। चलिए हम लोग आज के क्विज की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। आप लोग आंसर दीजिए, ए 435 वाट, बी 305 वाट, सी 746 वाट, डी 976 वाट। आप लोग जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सबसे पहले कमेंट करने वाले को प्राइज दिया जाता है, तो आंसर सी 746 वाट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं। आप लोग देखे हैं जब बारिश होता है और हल्की हल्की धूप होता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, तो उसमें कितने कलर होते हैं। आप लोग जल्दी से जवाब कीजिए, कमेंट कीजिए। ए 6, B 7, C 8, D 9। चलिए, आप लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड है। आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आंसर बी 7, इंद्रधनुष में 7 कलर दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, विवर्तन के कारण, बी अपवर्तन के कारण, सी प्रकीर्णन के कारण, डी परावर्तन के कारण। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सबसे पहले जवाब देने वाले को फोन पे के माध्यम से प्राइज दिया जाता है। आप लोग जल्दी कमेंट करें और 10 का 10 जवाब सबसे पहले दें, तो आंसर हो जाएगा सी परिकीर्णन के कारण। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाता है या किसके द्वारा बदला जाता है। ठीक है, ए डायनमो, बी ट्रांसफार्मर, सी विद्युत मोटर और डी इंडक्टर। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग को हर एक क्वेश्चन में 5 सेकंड की समय दिया जाता है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए। तो सी विद्युत मोटर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करें, ए कॉपर, बी आयरन, सी लेड, डी टंगस्टन। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सबसे पहले जवाब देने वाले को प्राइज दिया जाता है और सीखने को भी मिलता है। जितने भी सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने में आ रहा है, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अक्सर आप लोग ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। जल्दी जल्दी से जल्दी इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। तो आंसर हो जाएगा डी टंगस्टन, बॉल के फिलामेंट में टंगस्टन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। जो हम लोग टीवी देखते हैं उसका खोज या आविष्कार किसने किया था। डब्ल्यू रैमजे, जे एल बेयर्ड, जॉनसन, ग्राहम बेल। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। सबसे पहले कमेंट करने वाले को ही प्राइज मिलेगा। 10 में से 10 सबसे पहले जो कमेंट करेंगे उन्हें प्राइज दिया जाता है। आप लोग जानते ही हैं, पर डे आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं आप लोग। तो आंसर हो जाएगा बी जे एल बेयर्ड। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। ए परमाणु, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन। आप लोग जल्दी कमेंट करें और सेशन को सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करें। जितने भी ग्रुप हैं आप लोग का व्हाट्सएप में, सभी में शेयर करें, फेसबुक में लिंक को शेयर करें।
तो आंसर ए हो जाएगा परमाणु। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? ए डाल्टन, बी रॉन्टजेन, सी रदरफोर्ड, डी विलार्ड। जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, अल्फा और बीटा की खोज किसने किया है? जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, 5 सेकंड आप लोग के पास है, जल्दी कमेंट कीजिए। आप लोग सबसे पहले कमेंट करने वाले को प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा सी रदरफोर्ड। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन, कोल गैस, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। गोबर गैस बनता है जिससे खाना भी लोग बनाते हैं। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए, सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जुड़ना चाहिए, तभी आप लोग के बीच में लाइव क्यूज लेके आ पाऊंगा। द आंसर ए मीथेन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे भारी धातु कौन सा? जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। ए चांदी, बी सोना, सी पारा, डी ऑस्मियम। जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, सबसे पहले कमेंट करने वाले को प्राइज दिया जाएगा। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑस्मियम। आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा जल्दी कमेंट करके बताएं और कल के लिए प्रश्न आप लोग सुनते जाएं, झोला में भर के ले जाएं प्रश्न और कल जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोग नहीं जानते तो कोई बात नहीं, कल ये प्रश्न का जवाब आप लोग का वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए आप लोग सवाल को नोट कर लीजिए। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जल्दी से जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में करिए। इसका अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो ओजोन परत कब मनाया जाता है? सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। आप लोग कल किस टॉपिक पे प्रश्न चाहते हैं, क्यूज चाहते हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब